अच्छा यार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको देता हूँ आज की एक अपडेट। अपडेट मैं देने से पहले ना, एक मेरे साथ मेरा इंडियन भाई बैठा हुआ यहाँ पर, मुझको बोल रहा है, मैं हकीकत बात है 7 दफ़ा ये वीडियो बना चुका हूँ, 7 दफ़ा डिलीट कर चुका हूँ, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। वो मुझे बोल रहा है कि थोड़ा आस्ता बोलिएगा, सांस ले लिया कर, इतनी तेज तेज तो बोले जा रहा है, कोई चीज़ भूल जाता है तो फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अच्छा, बात यह है कि आपने अभी तक न्यूज़ सुन ली होगी जी सऊदी अरब के मुतल्लिक। सऊदी अरबिया ने 7 दिन के लिए अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट 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 क्या भाई, बंदरगाहें, बॉर्डर वगैरह तमाम तर बंद कर दिए गए हैं। ये कन्फर्म न्यूज़ है जी, इसके मतलब तो आपने सुन लिया होगा। और आपने इसके मतलब जो लेटेस्ट अपडेट आ रखी है अभी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। वो ये है जी कि आपने बहुत सी न्यूज़ ऐसी सुन ली होगी, मैंने भी टिकटॉक पर ऐसी वीडियो बहुत सी देख ली है जी, 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए। अभी तो मुझे एक मेरा भाई मिला है जी नीचे, वो मुझको बोल रहा था कि मैंने अपनी छुट्टी का पेपर दिया हुआ था, उन लोगों ने मकतब से मेरी छुट्टी का पेपर रिजेक्ट कर दिया है। मुझे ये बोल करके, भाई फ्लाइट है तो 2 माह के लिए बंद हो गई है, तो हम तुम्हारी छुट्टी कहां से लगा दे, तुम्हारी टिकट वगैरह कहां से करवा दे। तो इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है सऊदी न्यूज के मुताबिक, आपको यह भी बताऊंगा। और किस दूसरे अरब मुल्क ने भाई सऊदी अरेबिया को देखते हुए या अपनी सिक्योरिटी के तहत किस डेट को ऐलान किया है कि हम भी भाई लॉकडाउन लगा रखे हैं, यानी कि सील कर रखे हैं, तमाम तरफ फ्लाइटें, बंदरगाहें, समुद्री रास्ते बंद कर रखे हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको भाई न्यूज के मुताबिक न्यूज के मुताबिक क्लियर करता चलूँ। अभी आप अपनी स्क्रीनशॉट पर एक देख रहे हो, मैं आपको एक चीज बड़ी करके दिखा रखा हूं, वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने भाई सिर्फ 7 दिन के लिए फ्लाइट्स बंद करने का ऐलान किया है। ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा गया है कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के लिए, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि अगर हमें मामला बेहतर होते दिखाई दिए तो हम 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद फ्लाइट्स वगैरह बंदरगाहें खोल देंगे, अगर भाई नहीं कुछ मामला बेहतर होते दिखाई दिए तो फिर हो सकता है हम इस चीज को 2 हफ्तों के लिए ले जाएं, यानी कि 2 हफ्तों के लिए इसे भाई बंद वगैरह रखा जाए, और 2 माह के लिए, 3 हफ्तों के लिए ये कहीं भी नहीं कहा गया है, ना ही इसे बंद किया गया है, सिर्फ 7 दिन के लिए बंद किया गया है। अभी चलते हैं जी कुवैत की तरफ, जिसका जिसका मैंने आपके साथ पहले जिक्र कर दिया है। कुवैत ने भी भाई 1 जनवरी से, 1 जनवरी से ये ऐलान कर दिया है कि तमाम तरफ फ्लाइट, बंदरगाहें, समुद्री रस्ते कुवैत भाई आपने 1 जनवरी से बंद कर रखा है। और कुवैत ने ये इसके मुताबिक डेट वगैरह कोई नहीं दी है कि 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए। अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि कुवैत ने भी भाई 1 जनवरी से ये ऐलान कर दिया है। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप देखें तो यूरोप में भाई बढ़ते हुए केसों को लेकर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया और कुवैत भाई लॉकडाउन वगैरह कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, सऊदी अरेबिया में आज भाई 168 केस सिर्फ रिकॉर्ड किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत ये काफी कम है। दूसरे ऐसे तमाम ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, इनके भाई मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला 7 दिन के बाद इनकी फ्लाइट वगैरह खोल दी जाएंगी, क्योंकि इन ममालिक में भाई केसों के मामला काफी अभी बेहतर हैं, और इंशाल्लाह ताला इन 7 दिन के बाद इनकी भाई फ्लाइट वगैरह एशियाई ममालिक की खोल दी जाएंगी, और उन तमाम ममालिक से एशिया खुर्दनोश की चीजें सऊदी अरेबिया में बहरी जहाज के थ्रू आती रहेंगी, जहां पर इस वायरस के केसेस कम हैं। और दिसंबर में और इसके बाद जो भी बंदा सऊदी अरेबिया में दाखिल होगा भाई, उसे 15 दिन के लिए कंटीना करना होगा, यह भी अपने जहन में रखिएगा। 15 दिन के दौरान उसका 3 बार टेस्ट किया जाएगा, यानी कि हर 5 दिन बाद उस बंदे का टेस्ट किया जाएगा इस वायरस का। अगर खुदा न खवास्ता उसे कोई मसला हुआ, उसका भाई इलाज वगैरह यहाँ किया जाएगा, या उसे अपने कंट्री में भेज दिया जाएगा, अगर क्लियर हुआ तो उसे भाई सऊदी अरेबिया में फिर जाने की इजाजत होगी, जैसा कि पहले भी मामला चल रहे थे। लेकिन अभी भाई पहले की तरह सख्ती तो नहीं है, जैसा कि पहले 6 माह के लिए फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई थी, तो ऐसे या वैसे ऐसी कोई मामला नहीं है जी। अभी सिर्फ 7 दिन के लिए फ्लाइट बंद की गई है। आपको कोई भी बंदा इसके मुताबिक गलत इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया की न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ 7 दिन के लिए फ्लाइट्स बंद की गई हैं, बंदरगाहें और ये वो, और कुवैत ने भाई 1 जनवरी से ऐलान किया है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए फ्लाइट्स वगैरह खोल दी जाएंगी। कोई भी और लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो उसके मतलब मैं आपको अपडेट करूंगा जी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।